हम टाइम फुल यूज कर रहे हैं। हाँ, हमें इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए हम साथ में काफी बार बातें कर लेते हैं। हाँ, तो इसका हम लोग ने ओएसटी तो अभी देखा ही था रिसेंटली, जिसमें उसका स्टोरी नॉट की काफी सारा समझ गया, बट ठीक है, एक जस्ट तो मिल ही गया था कि क्या है। वैसे फॉरशॉक ये ग्रीन का है, ग्रीन के नॉर्मली टीजर्स भी ज्यादा बड़े होते हैं, काफी सारे टीजर्स होते हैं। इसके टीजर्स सिर्फ तीन है, एक लॉन्च प्रोमो है और एक ट्रेलर है। लॉन्च प्रोमो थोड़ा बड़ा, आई थिंक 2 मिनट के आसपास, और लोगों ने ये कहा था कि लॉन्च प्रोमो के अंदर आपको काइंड ऑफ स्टोरी का आइडिया लगेगा क्योंकि 2 मिनट्स है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, प्ले मुझे करना। खुशी और सुकून पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये तो बांटने से बढ़ते हैं। जब तक तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करने वाली। आप दुनिया की सबसे अच्छी आप ही, आप इस हुलिये में जाएंगी, उनकी बहू बनने वाली हैं आप। मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, जिसे मुझे पसंद करना है ऐसे ही कर ले। इक्तदार 19 सितंबर से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। इस मुल्क में अगर आपके पास पैसे की पावर और पोजीशन तो सब काम आसान है। सियासी खून है मेरी रगों, और इससे पहले ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो हम नहीं जीते। इक्तदार 19 सितंबर से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी सादा, इतनी साफ को। हैप्पी बर्थडे। नो थैंक यू। कब तक ये बिगड़ी हुई औलादें हम गरीब आवाम को कुचलते रहेंगे? मैं मेहरुन्निसा आप सबकी आवाज हूँ। एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम्हें। तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी। इक्तदार 19 सितंबर से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। ये वैसे काफी डिफरेंट स्टोरी लाइन है कि पहले तुम्हें प्यार हो गया ना, इसके बाद ये चीजें आ रही है जो बीच में क्लैशेस खड़े कर रही है। कोई ये एक्टिविस्ट है क्या एकदम ऐसा? I think normally भी जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड होते हैं वो तो काफी हद तक एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। जो लोग दूसरों की खुशियां छीन लेते ना, वो कभी खुश नहीं रह पाते। तुम जैन को माफ कर दो, यही तुम सबके लिए बेहतर होगा। पून का बदला पून। व्हाट? इस जंग में तो बहुत मजा आएगा क्योंकि रेडी मिस मेहरुन्निसा शेरोस।
जालिम को माफ कर देना मज़लूम पर जुल्म। मैं अपने भाई को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये मुआशरा मर्दों का है। ये मुआशरा मर्दों का नहीं है, ये मुआशरा मुर्दों का है। लेकिन मैं भी जिंदा हूँ। देखिए नया ड्रामा सीरियल इक्तिदार 19 सितंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। मुझे तो लगा किसी और को ही मारा है वो। आई थिंक पर्सनली उसको इतना इम्पैक्ट हुआ ही होगा तब जाके उसका तमाशा खड़ा करना है एवरीथिंग। हमने वो ओएसटी में भी देखा था कि वो शादी में जाके थप्पड़ मारती है। आई थिंक उसके भाई को ही थप्पड़ मारती है ना। ठीक है नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट वाला अच्छा खासा हमें कुछ देगा। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी सादा इतनी साफ को। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कब तक ये बिगड़ी हुई औलादें हम गरीब आवाम को कुचलते रहेंगे? मैं मेहरुन्निसा आप सबकी आवाज हूँ। एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम्हें। तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी। इस मुल्क में अगर आपके पास पैसे की पावर और पोजीशन तो सब काम आसान। सियासी खून है मेरी रगों, और इससे पहले ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो हम नहीं जीते? खुशी और सुकून पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये तो बांटने से बढ़ते हैं। जब तक तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करने वाली। आप दुनिया की सबसे अच्छी आप ही। आप इस हुलिये में जाएंगी, उनकी बहू बनने वाली आप। मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, जिसे मुझे पसंद करना है ऐसे ही कर ले। जो लोग दूसरों की खुशियाँ छीन लेते ना वो कभी खुश नहीं रह पाते। तुम जैन को माफ कर दो, यही तुम सबके लिए बेहतर होगा। खून का बदला खून। What? इस जंग में तो बहुत मजा आएगा। Get ready, Miss Mehrunisa Sheroos. जालिम को माफ कर देना मज़लूम पर जुल्म है। मैं अपने भाई को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये मुआशरा मर्दों का है। ये मुआशरा मर्दों का नहीं है, ये मुआशरा मुर्दों का है। लेकिन मैं भी जिंदा हूँ। देखिए नया ड्रामा सीरियल इक्तिदार आज रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। ग्रीन बोल रहा है आज तो डिसअपॉइंट कर। हाँ, और जब फर्स्ट वाला खत्म हुआ मुझे लगा चल बाकी का जो है ना उसमें कुछ नया रहेगा एटलीस्ट। हाँ, क्योंकि मुझे भी वही लगा इनिशियली, वो काफी बार रिपीट कर रहा था लेकिन आगे पूरा एक डिफरेंट ये रहता है। लेकिन ये लोग ना एक्चुअली कंपाइलेशन देते हैं, अगर अपन पहले ही देख लेते बाद में वो देखते तो और गंदा करता कि क्या है मतलब इतना इतना से क्लिप्स। हाँ, तो आई गेस इन लोग का अगर सीरीज बहुत अच्छा जा रहा है उसका रीजन ही हो सकता है कि इनकी केमिस्ट्री और एक्टिंग एग्जीक्यूशन और सब उतना अच्छा रहेगा। लोगों को उतना उस चीज का क्रेज हो रहा है क्योंकि स्टोरी वरना फिर काफी अपफ्रंट लग रही है। बाकी अंदर जो गेम्स खेले रहेंगे इन्होंने एग्जीक्यूशन वाइज वो सब काफी बेटर होगा, तभी जाके इसका नाम काफी ज्यादा हमें सुनने में आ रहा है। एंड वैसे ग्रीन का है मतलब कभी जाके आप लोग ग्रीन का थोड़ा ज्यादा रेकमेंड किया करो क्योंकि इट इज वेरी सेफ। अभी तक के लिए हमारा सबसे सेफेस्ट ये रहा है और कभी हमें ऐसे स्ट्राइक एंड ऑल ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो आई थिंक अब तक तो नहीं आया है बट अब ये जिस हिसाब से चेंज हो रहा है इट इज वेरी फ्रेंडली। ग्रीन का जो भी है इट इज वेरी फ्रेंडली एंड लोग रिएक्शन दे रहे हैं विद फुल स्क्रीन। तो बाकी सब चैनल्स पे इवन अगर हम हमका भी कर रहे हैं तो वो काफी हद तक हम ऐसे स्क्रीन नीचे करके वो उनको डिच कर रहे हैं। इट इज नॉट अपफ्रंट कि हाँ ठीक है हम उनके कंटेंट पे रिएक्शन हाँ ठीक है डॉच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिच कर रहे हैं। क्या डिच कर रही है? किसको को डिच कर रही है? डॉच। ओके, डॉच कर रहे हैं हम उनको। हाँ, दो मिनट की खुशी। मजा आ गया। लेकिन ग्रीन के साथ इट इज काइंड ऑफ वेरी सेफ अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है।
एंड एक न्यू चैनल तो यू नो वो एक कंपटीशन को बीट करने का ये भी रखेगा. ऑल्सो हमको पता है कि इतने लोगों को ये करना रहता है, रिएक्ट प्लीज हेल्प कर रहे हैं वो लोग. हाँ मजा आ गया देखकर. इवन अभी जो लास्ट हमने ग्रीन का कौन सा एक किया था जो बहुत फेमस हो गया था अभी रिसेंट टाइम, रमशा वाला ना. हाँ वो वाला भी काफी लोगों ने हमें रेकमेंड किया था और काफी लोग रिएक्ट भी कर रहे, मतलब लोग बोल रहे कि लोग ऐसे यू नो अपलोड होते ही वो रिएक्शन दे रहे हैं वैसे टाइप वाला. तो उनको तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा एकदम फ्रेश कंटेंट की. हाँ ठीक है, कोई स्पॉइलर देने वाला नहीं है, हम ही स्पॉइलर दे रहे हैं सबको. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर, स्टे सेफ.